और चलिए 10 बजे की 10 बड़ी खबरों पर सबसे पहली नजर। पहली बड़ी खबर, पीएम के यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले बयान पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, भारत की विविधता को पीएम एक समस्या समझते हैं, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता शायद पीएम समझ नहीं रहे। वहीं कांग्रेस, जेडीयू, डीएमके ने पीएम मोदी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, मणिपुर के हालात पर बात क्यों नहीं करते, पीएम इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। दस बजे की दूसरी बड़ी खबर, मणिपुर दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 29 से 30 जून को मणिपुर दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे। दौरे के दौरान इम्फाल और चूड़ाचांदपुर में राहत शिविरों का दौरा करेंगे, साथ ही सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे राहुल। आपको बता दें, मणिपुर में पिछले 2 महीनों से हिंसा लगातार वहां देखने को मिल रही है और अब तक 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तीसरी बड़ी खबर, 10 बजे की शिवसेना के मुखपत्र सामना में केसीआर पर तंज कसा गया। संपादकीय में लिखा, वोट काटने के लिए बीजेपी लेकर आई है केसीआर, तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों ही जगह चुनाव हार जाएंगे। केसीआर की पार्टी तेलंगाना में गिरावट पर है और उनकी पार्टी 2024 में सत्ता में रहेगी या नहीं गारंटी नहीं। सामना में यह भी कहा गया कि केसीआर को महाराष्ट्र में घुसने की कोई जरूरत नहीं थी, तेलंगाना के लिए संघर्ष करने के बावजूद उनकी पार्टी नीचे जा रही है। उनकी बेटी कविता लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकी, उन्हें ईडी ने समन भेज दिया, जिसके बाद केसीआर का हर कदम अब ऐसा लग रहा है कि वो केवल बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की आज मीटिंग है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे की बैठक होगी। कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। मणिपुर हिंसा के बीच होने जा रही ये कैबिनेट की मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें, सीसीईए की भी मीटिंग आज ही होने वाली है। पांचवी बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम मीटिंग है। कांग्रेस मुख्यालय में आज ये बैठक होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। राहुल गांधी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू शामिल होंगे। बैठक में प्रभारी कुमारी शैलजा भी पहुंच सकती हैं। सूत्रों की माने तो बैठक में राज्य में चल रहे प्रचार और कांग्रेस के चुनावी कार्यक्रम की समीक्षा हो सकती है। दस बजे की सातवीं बड़ी खबर, राहुल गांधी का भारत जोड़ो अभियान जारी है। कल करोलबाग में साइकिल मार्केट में वर्कर से मुलाकात की। इस दौरान साइकिल व्यापारियों से भी मुलाकात करते नजर आए राहुल गांधी। इस दौरान राहुल गांधी ने बाइक मैकेनिक्स के साथ बातचीत की, बाइक ठीक करनी सीखी। कांग्रेस पार्टी ने करोलबाग की साइकिल मार्केट पहुंचे राहुल गांधी की तस्वीरें भी शेयर की है और कहा, यही हाथ हिंदुस्तान बनाते हैं, कपड़ों पर लगी कालिख हमारी खुददारी और शान है, ऐसे हाथों को हौसला देने का काम एक जननायक ही करता है। आठवीं ब्रेकिंग, 10 बजे की, मध्य प्रदेश से जहां दतिया में उफनती नदी के पास ट्रक पलट गया। हादसे में एक महिला समेत 5 की मौत हो गई है, दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दतिया के बुहारा गांव के पास यह हादसा हुआ। निर्माणाधीन पुल के पास गाड़ी पलटने से यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि लोग टीकमगढ़ से एक शादी समारोह से लौट रहे थे। हादसे के तुरंत बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हादसे पर अधिकारियों से चर्चा की। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक पुल पर गाड़ी का पहिया फंसने से यह हादसा हुआ। नरोत्तम मिश्रा ने पीड़ितों के अच्छे इलाज के निर्देश दिए हैं। शिवराज सरकार ने 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। और 10 बजे की दसवीं ब्रेकिंग, भारत के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, कोंकण, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं गुजरात में आज तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अनुमान जताया है। दिल्ली की बात करें तो यहां अगले 5 दिनों तक तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।